हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नीट 2020 पोस्टपोन हुआ है, लेकिन होगा ज़रूर हुआ है ना। इसलिए आप लोग बच्चों पढ़ते रहिए, जितनी भी मदद हम कर सकते हैं ज़रूर आपकी करेंगे। आज बच्चों बेसिकली ये वीडियो दो पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट कि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं या पूरे साल नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले कारण जानेंगे कि वो क्यों नहीं पढ़े हैं, और दूसरा उन्हें मोटिवेट करेंगे या क्या ऐसा किया जाए जिससे कि वो पढ़ने लगें और बहुत अच्छे नंबर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन्हें मिले। बच्चों सबसे पहले मेरे को डिस्कस करना है कि क्यों पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों की, या फिर बहुत सारे बच्चे सपने तो देखते हैं डॉक्टर बनने के, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये सपना धूमिल होने लग जाता है और उनकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है जितना वो सोचते हैं। ठीक है, या अभी आप ऐसे सोच लीजिए, कोरोना के कारण छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों में भी स्टूडेंट्स तरह तरीके के बहाने बना रहे हैं कि सर घर पे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल रहता है, या हमारी बुक्स रह गई हैं जहां हम हॉस्टल में रहते थे, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। तो ये सारे बहाने मानता हूँ मैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब बहाने क्यों देने पड़ रहे हैं, इसका एक रीज़न देना चाहूँगा मैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में या फिर प्रॉपर लाइफ में भी जो है ना, आदमी क्या करता है, अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। बच्चों कंफर्टेबल जोन का मतलब क्या होता है कि आदमी सुख चैन से रहना चाहता है, एकदम सुख चैन से, शांति से, बिना किसी तनाव के रहना चाहता है। मैं दो एग्जांपल्स से आपको बताना चाहूँगा कंफर्टेबल जोन क्या है और आप कंफर्टेबल जोन में हैं आप, बस आपको पता नहीं है कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं। ठीक है, तो पहले मैं शेर का उदाहरण लेना चाहूँगा बच्चों, शेर का एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक होता है सर्कस का शेर और एक होता है जंगल का शेर। ठीक है, तो आप सब मेरे को ये बताइए कि आप कौन सा शेर बनना चाहेंगे, जंगल का शेर या सर्कस का शेर, आराम से सोच के बता दीजिए। तो 100 में से 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो 100 के 100 लोग बोलेंगे सर्कस का शेर नहीं बनना सर, उसकी भी कोई लाइफ है क्या, हम तो बनेंगे जंगल का शेर। जंगल का शेर मतलब जंगल का राजा। तो ये आपने जवाब दिया है, अभी याद रखना आप ये जवाब कि मैंने आपसे पूछा कौन सा शेर बनोगे, आप खुद बोलेंगे कि हम जंगल का शेर बनेंगे। लेकिन अगर मैं सर्कस के शेर की बात करूं, तो सर्कस के शेर जो होता है ना बच्चों, उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। सर्कस के शेर को खाने के लिए शिकार नहीं करना है, रोज सुबह शाम खाना उसको मिलेगा, कोई उस पर बारिश धूप वूप नहीं आने वाली है, बढ़िया सा पिंजरा रहेगा, उसे उसी में कैद रहना पड़ेगा। जंगल के शेर की अगर मैं बात करूं, तो ज़रूरी नहीं है रोज उसे खाना मिले, रोज शिकार पे जाना पड़ेगा और शिकार करना पड़ेगा तभी उसे खाना मिलेगा। हो सकता है बहुत देर तक वो किसी हिरण के पीछे भागे तब भी उसका शिकार ना कर पाए, तो किसी किसी दिन उसे भूखा भी रहना पड़ सकता है, धूप आएगी, बारिश आएगी, सब में जंगल के शेर को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों ने बोला था हमें जंगल का शेर बनना है, मतलब जंगल का शेर वो होता है जिसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में बच्चा कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, उसके नंबर नहीं आते हैं तब भी वो नहीं पढ़ता है, समझ रहे हैं, या थोड़ा सा कभी पढ़ लिया और नंबर नहीं आए तो उन परेशानियों से घबरा गया और वो बन गया सर्कस का शेर कि मैं तो हफ्ते भर में रोज 2 ही घंटे पढ़ूंगा, भले ही मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं या 500 नंबर आ रहे हैं, तो 500 नंबर तक भी मेरे आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन मैं मेरी पढ़ाई नहीं बढ़ाऊंगा। क्योंकि आप लोग बन गए हो सर्कस के शेर, आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ रहे हो। मैं 2 ही घंटे पढ़ सकता हूं प्यार से, उसके बाद तो मेरे को मेरी नींद कम करनी पड़ेगी, मैं नींद कम नहीं करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं बढ़ाऊंगा, मैं कंफर्टेबल जोन में रहूंगा। कंफर्टेबल जोन मतलब आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, आप सर्कस के शेर जैसा व्यवहार कर रहे हो। सर्कस का शेर कंफर्टेबल रहता है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, स्टूडेंट के नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी वो पढ़ाई नहीं करता है। तो आपने पहले तो जवाब दिया था कि आपको बनना है किसका शेर, जंगल का शेर, लेकिन जंगल के शेर के पास तो रोज चुनौतियाँ आती हैं, रोज उसको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बैठता नहीं है, रोज शिकार पे निकलता है। लेकिन हमारे तो एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो हम तो रोना गाना चालू कर देते हैं, या फिर हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम वापस से कंफर्टेबल लाइफ में आ जाते हैं। कंफर्टेबल लाइफ में, जिस लाइफ में हमें सुकून मिलता है कि हाँ मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सारे काम करने के बाद लास्ट में पढ़ूंगा। तो आप बनना तो जंगल का शेर चाहते हैं बच्चों, लेकिन जो आपकी दिनचर्या है वो आपको सर्कस का शेर बना रही है, समझ रहे हो।
तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि लाइफ में आपको क्या बनना है। अगर आपको जंगल का शेर बनना है, किसी से भी पूछ लो, जंगल का शेर बनना है या सर्कस का शेर बनना है, हर कोई बोलेगा जंगल का शेर बनना है। लेकिन जंगल के शेर की कंडीशन है कि उसे रोज चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, बारिश आएगी, धूप आएगी, बाढ़ आएगा, कुछ भी परेशानियां आए वो चुप नहीं बैठेगा, अगले दिन फिर शिकार पे जाएगा। हमारे एक बार नंबर कम आ गए, हम पढ़ना बंद कर दिया, हम तो सर्कस के शेर बन गए कि जितने नंबर आ रहे हैं, जैसा खाना रूखा सूखा हमें मिल रहा है, सर्कस के शेर को जो खाना मिला वो खाना पड़ेगा उसे। हमारे जितने नंबर आ रहे हैं आने दो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम हमारे कंफर्टेबल जोन में हैं। तो आप समझिए कि अगर आपको जंगल का शेर बनना है तो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो जिस बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं वो बन चुका है सर्कस का शेर। नंबर लाने के लिए बनना पड़ेगा जंगल का शेर। जंगल का शेर बनने का मतलब है रोज पढ़ना पड़ेगा, नंबर कम भी आए, शिकार किया मैंने लेकिन हिरण भाग गया दूर, नहीं मिला मेरे को, उस दिन भूखे रहना पड़ेगा, मैं भागा, मैंने मेहनत की, मैं पढ़ा लेकिन मेरे नंबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जंगल का शेर दूसरे दिन चुपचाप बैठ जाएगा, पढ़ना छोड़ देगा, नहीं, अगले दिन वो फिर से मेहनत करेगा और फिर से मेहनत करके अगले टेस्ट में फिर से नंबर लाना चाहेगा। तो आपकी लाइफ है, सब अपने आप से पूछिए, जंगल का शेर बनेंगे कि सर्कस का शेर बनेंगे। अगर आपका जवाब है जंगल का शेर बनेंगे तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, नंबर आए नहीं आए, कोरोना के कारण घर पे चले गए आप, कोई भी परेशानियां आ रही हैं आपके पास को, घर पे चले गए हम, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही सर, ये तो बहाना है आपका। आप कंफर्टेबल जोन में आना चाहते हो, आप कंफर्टेबल जोन में पिंजरे में बंद रहना चाहते हो, पिंजरे में बंद शेर उसकी स्थिति सोचिए आप, पिंजरे में बंद शेर किसी काम का नहीं होता, बच्चे निकल रहे होते हैं ना उसकी पूंछ छू छू के निकल रहे होते हैं, कोई डर नहीं होता है। जंगल के शेर की पूंछ बच्चा हाथ भी लगा सकता है क्या? कोई जाने भी नहीं देगा उसके पास। जंगल का शेर अगर आपको बनना है तो रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी चुनौती आए, आपको पढ़ना है, आपको नंबर लाने हैं, आपको अपने सपनों के लिए पढ़ना पड़ेगा और सपनों के लिए पढ़ने के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। कंफर्टेबल समझ रहे हो ना, जो सर्कस का शेर है उसका जीवन कंफर्टेबल है, उसे कुछ नहीं सोचना है। तो आप लोग घर में जाके या कहीं भी ना पढ़ के आप कौन से शेर बन रहे हो? आप सर्कस के शेर बन रहे हो। आप पढ़िए, आपको नींद कम लेनी पड़ेगी, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, वो बढ़ेंगी परेशानियां तभी आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस साल या इस जितने भी महीने बाकी हैं अभी नीट में, इतने महीने अगर आपने कष्ट से निकाल लिए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके निकाल लिए, जितना आपको ज्यादा कष्ट होगा उतना आप अपने सपनों के नजदीक आ जाओगे बच्चों। तो सबसे पहली बात मैं यही कह रहा हूं कि लाइफ में, पूरी लाइफ के लिए, नॉट ओनली फॉर नीट एग्जाम, फॉर योर होल लाइफ, बी अ टाइगर, बी अ लायन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? एक शेर बनिए, चीता बनिए, किसके? जंगल के। ये नहीं आप सर्कस के शेर बन रहे हो। सर्कस का शेर हर वो आदमी है जो अपने कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल जोन में, बस वो कंफर्टेबल जोन में है, 2 घंटे पढ़ता है रोज, वो चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए, उसने अपनी ड्यूटी निभा दी, भैया 2 ही घंटे पढ़ूंगा मैं तो, कंफर्टेबली 2 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ता हूँ तो मेरे को कष्ट होने लगता है, कष्ट नहीं लेना है, अपन तो सर्कस के शेर हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे, जितने नंबर आ रहे हैं उतने से अपना काम गुजारा कर लेंगे। दूसरी बात, कंफर्टेबल जोन में बच्चा क्यों आ जाता है? बच्चा एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट करने का मतलब, आप मेहनत इतनी करते हो, मेहनत आपने की 500 मार्क्स की, पिछले साल का कट ऑफ था 580 मार्क्स, तो मेहनत इतनी की है आपने लेकिन कट ऑफ इतना ज्यादा है, तो अपने को मेहनत बढ़ानी चाहिए ना। बच्चा मेहनत नहीं बढ़ाता है, बच्चा क्या करता है, उस सपने को ही छोटा कर देता है, बोलता है कट ऑफ 580 नहीं जाएगा, इस बार कट ऑफ कितना चला जाएगा, 500 चला जाएगा, एडजस्ट करना सीख जाता है। एडजस्ट जो बच्चा करता है ना, एडजस्ट बहुत घातक है। मैं फिर से एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मेढक होता है, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स देख भी रहे होंगे, मेढक को एक फ्राइंग पैन में डाला अपन ने, फ्राइंग पैन में पानी है और नीचे से शुद्ध गैस के ऊपर रखा हुआ है, और मेढक क्या करता है, मेढक का ऐसा स्किन होती है कि वो टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है। एडजस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट बहुत ही खराब है स्टूडेंट लाइफ के लिए, कि एडजस्ट कर लेना, नंबर कम आ रहे तब भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कहानी सुनिए, मेढक को फ्राइंग पैन में रखा, फ्राइंग पैन में पानी है, फिर पानी में पहले तो मेढक आराम से है क्योंकि पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, फिर गैस लगा दी उन्होंने, गैस ऑन कर दी, पानी थोड़ा थोड़ा गुनगुना हुआ, मेढक को मजा आने लग गया, मेढक ने भी अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर लिया, पानी के बराबर कर लिया, उसे मजा आने लग गया, गुनगुना पानी हो गया, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं था, फिर टेम्परेचर और बढ़ा, मेढक ने भी अपना टेम्परेचर और बढ़ा लिया,
लेकिन एक सीमा पर आने के बाद पानी का टेम्परेचर इतना हो गया कि मेढक को अब कष्ट होने लग गया। वो कूदना चाहता है लेकिन कूद भी नहीं पाएगा, क्योंकि कूदने का समय था पहले। अगर पहले कूद जाता ना वो तो बच जाता, लेकिन पहले उसने एडजस्ट कर लिया। ये स्टूडेंट की लाइफ है कि आप एडजस्ट कर लेते हो, कम मार्क्स आ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, रीजन देके एडजस्ट कर लेते हैं हम लाइफ में। और अगर आपने एक बार ये एडजस्टमेंट चालू कर दिया स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर आपको लास्ट में बहुत कष्ट होगा। जब नीट का एग्जाम आएगा तब छलांग मारने से कुछ नहीं होगा, छलांग मार ही नहीं पाओगे, कोर्स इतना बड़ा है। तो मेढक उसी पानी में दम तोड़ देगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। पहले तो मेढक ने मजे लिए, एडजस्ट करता रहा स्टूडेंट लाइफ में, पहले एडजस्टमेंट होता रहा। लेकिन एडजस्टमेंट बच्चों हमेशा बलिदान मांगता है, लास्ट में आपके सपनों का बलिदान मांगेगा एडजस्टमेंट, इसलिए आप एडजस्टमेंट ना कीजिए। तो मेरे दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बी अ लॉयर ऑफ फॉरेस्ट, शेर बनिए जंगल का, सर्कस का नहीं। दूसरा, एडजस्टमेंट छोड़ दीजिए बच्चों। एडजस्टमेंट करोगे तो जब सही समय पे मेंढक को छलांग मारनी थी, अभी सही समय है। अभी आपके पास जितना समय है, आप अगर अभी से पढ़ना चालू करेंगे, वही आपकी छलांग है जो आपको बचाएगी, सपनों के नजदीक ले जाएगी। तो अभी ये राइट समय है, जब आप छलांग मारिए, पढ़िए और अपने सपनों के करीब आइए। तीसरा और लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा, छलांग मारने का मतलब है बच्चों प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो नीट आप जरूर क्रैक कर सकते हैं। नीट में डॉक्टर बनना बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देगी। प्रैक्टिस आपको क्या देगी बच्चों, कॉन्फिडेंस देगी। बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं प्रैक्टिस के बारे में। क्रिकेट सब खेलते हो, बहुत फेमस सा एग्जाम्पल याद है मेरे को कि ब्रैड हॉग 2007 में वो नया नया क्रिकेटर बना था, उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। सचिन तेंदुलकर को मैंने बोल्ड होते हुए नहीं देखा है, कोहली को भी नहीं देखा वैसे तो, बट एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का है कि सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा हॉग ने, और मैच के बाद वो बॉल ले गया एज अ सविनियर कि सचिन जी आप इस पे साइन कर दीजिए, मैंने आपको बोल्ड किया है। सचिन ने केवल लिख दिया उस पे कि जा, ये मोमेंट तेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो, पहले तो हॉक को समझ में नहीं आया क्या लिखा है, क्या लिखा था सचिन ने, ये मौका वापस से नहीं आएगा, मतलब वापस से हॉक सचिन का विकेट नहीं ले पाएगा। बताओ ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सचिन क्या कर गया होगा, सोने लग गया होगा क्या? सोया नहीं होगा वो। उसके बाद उसने की होगी दिन रात प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आता है कॉन्फिडेंस। आज आप अपने जहां पढ़ते हैं वहां दीवार पे लिख दीजिए कि मैं इस साल बनूंगा डॉक्टर, और उस लाइन को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जी जान लगा दीजिए, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यही तीनों पॉइंट्स अगर आपने पूरी लाइफ में उतार लिए, किसी भी एग्जाम में, नीट तो बहुत छोटी बात है, पूरी लाइफ में कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बी अ लॉयन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का शेर बनिए, सर्कस का शेर मत बनिए। सर्कस का शेर बनने का मतलब कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। सर्कस के शेर की लाइफ बहुत आसान है, उसे कुछ कष्ट नहीं है, लेकिन उसे पिंजरे में ही सब कुछ मिलेगा और जैसा मिलेगा वैसा ही उसको जीना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे आप लोग तो, आप चाहते तो जंगल का शेर बनना, लेकिन बनेंगे आप सर्कस के शेर। उसको लाइफ में फिर जितना मिलेगा उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ना तो एडजस्ट कीजिए आप, और जंगल का शेर बनिए। तीसरा, प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। प्रैक्टिस से आप हर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा बच्चों, जान लगा दीजिए वरना अपने सपने को जाने दीजिए बच्चों। मिलते रहेंगे समय समय पे। बेस्ट ऑफ लक, बी ए डॉक्टर बच्चों।